अलगूम दोस्तों कैसे हैं आप लोग ठीक हैं उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे सो डी स्टूडेंट्स आज जो, जो है आ, ना ही आई सखर की बात है ना ही आई कराची की बात है सो so, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर जो है उन्होंने एडमिशन से स्टार्ट करी हैं और मेक श्योर कि प्लीज़ आज जो मैं कुछ बताने वाला हूँ इट्स नॉट फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स ठीक है क्योंकि वो वेमेन यूनिवर्सिटी है तो प्लीज़ बॉयज़ है, तो प्लीज, जो हैं क्वेश्चन से थोड़ा गुरेज करें हाँ सिस्टर्स या सिबलिंग्स हैं अगर आप लोगों की तो Uh, मतलब उनके लिए भले आप सुन सकते हैं इस चीज़ को मगर इट्स फॉर वेमन ठीक है और ये उनके लिए है और क्योंकि वेमेन यूनिवर्सिटी है तो उनका मदरसा है तो हम क्या कर सकते हैं ठीक है बाय द वे इन्फॉर्मर जो है वो मेल है सो so, इट्स ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ अच्छा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस किस डिपार्टमेंट में वेमेन यूनिवर्सिटी ने जो है uh, मतलब अनाउंस किए हैं एडमिशन्स और अच्छा मेक श्योर कि ये गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि वेमन यूनिवर्सिटी है सखद में ठीक है ना पूरी सिंध की तरफ से अच्छा एडमिशन्स कौन कौन सी ऑब्वियसली किस किस डिपार्टमेंट में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टेस्ट कैसे आती है टेस्ट पैटर्न क्या है सब्जेक्ट क्या, क्या मतलब कौन से हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप लोग और उसके बाद जो यह है कि टेस्ट कैसे आती है एंड आफ्टर दैट ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली मैंने बता दिया फैसिलिटीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटीज़ में जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अलहमद से वहाँ पे हमारे आठ से दस स्टूडेंट्स हमारे भी पढ़ रहे हैं वी अके आदमी के सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि लास्ट डेट जो अपलाई इनकी है वो सेवनटीन ऑफ़ फेब है फेब की सेवनटीन लास्ट डेट है टू एंड जो टेस्ट इंट्री टेस्ट है उनकी और वो है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेब ठीक है पच्चीस फेबरवरी को आ, उनकी टेस्ट है और ये सेंटर्स उनके टेस्ट के जो हैं वो कराची और सखर दो सेंटर्स रखे हैं इन्होंने ठीक अच्छा डिपार्टमेंट कौन कौन से के लिए मैं मैं भी बताता जा रहा हूँ और आफ्टर मतलब आफ्टर दैट मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों का टेस्ट क्राइटेरिया मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से होते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग आते हैं जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स एंड साइंस जो है उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन एंड रीहेबिलटेशन साइंसज में जो आ रहा है वो तीन डिपार्टमेंट्स हैं बस बायोटेक्नोलॉजी फोर ईयर्स ठीक है और बी एस जेनेटिक्स फोर ईयर्स का है और उसके बाद बी एस केमेस्ट्री फोर इयर्स के है तीन ये डिपार्टमेंट्स हो गए और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन में बी एड फोर ईयर का भी है बी एड टू पॉइंट फाइव ईयर्स भी है बी एड फोर ईयर्स के लिए इंटरमीडिएट लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और बी एड टू पॉइंट फाइव ईयस जिसको हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम के आते हैं उसको बी बी ए या बी एस सी वाले अप्लाई कर सकते हैं ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल साइंसेज में बी एस इंग्लिश ही है ओनली लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर आर टी ई एस ओ एल है वो भी फोर ईयर्स का इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज जो है उसी में बी एस मैथमेटिक्स फोर ईयर भी है और बी एस फिजिक्स भी फोर ईयर है इसमें से कौन से भी आप लोग जो है uh, मतलब आ सकते हैं चूज़ कर सकते हैं ओबियसली फेमस uh, uh, मतलब ऐसा समझे कि डिपार्टमेंट ये बहुत uh, जो अब आजकल के ट्रेंडिंग में यही है आफ़्टर द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो उन्होंने बी एस कंप्यूटर साइंस दिया है फोर ईयर्स का बी एस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फोर ईयर्स की है बी एस बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी फोर ईयर्स का है अच्छा मेक मेक्श्योर की जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रीबिल साइंसेज जो है उसमें बी बा, एस बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है बी एस जैनटिक्स है बी एस केमस्ट्री है इनके लिए बायोलॉजी जो है वो मतलब मेडिकल बैकग्राउंड आपका होना ज़रूरी है इंटरमीडिएट का जैसे कि बी एम एस एजुकेशन है बी एड है प्रोग्राम्स हैं तो बी एड अच्छा एम एस एजुकेशन टू ईयर्स की है ठीक है बी एस जैसे बी एड है बी एड टू ईयर्स टू पॉइंट फाइव हो या फोर इयर्स की हो तो उनके लिए आप भले भी इंटरमीडिएट जो आप लोगों की भले इंजीनियरिंग हो या मेडिकल डजेंट मैटर जैसे कि बी एस मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है मैथ्स और फिजिक्स के लिए आपका बैकग्राउंड जो इंटरमीडिएट का वो आप लोगों का इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है ठीक है एक बात तो यह है बाकी जो मैंने आखिरी बताया बी एस कंप्यूटर साइंस है जैसे मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है उसके बाद बी बी ए है इनके लिए भी आप मेडिकल्स हैं प्री मेडिकल्स हैं या फिर इंजीनियरिंग से डजेंट मैटर ठीक गुड हो गया अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अंडर ग्रेड के लिए है मतलब मिसाल के तौर पर आप आप अपने इंटरमीडिएट कम्प्लीट किया इंटरमीडिएट पे बेस पे आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डोंट वरी आपकी कभी भी अगर इंटरमीडिएट कंप्लीट की हुई है बस आप 35 साल सी, की उम्र से ज़्यादा ना हो मतलब एज वाइज है आप पैंतीस साल से कम कम हो तीस साल के भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इंटरमीडिएट आपकी दो में की हुई है दस में की हुई है लेट से दो अगर एटीन में की हुई है दो में की हुई है इट्स अप टू यू कोई मसला नहीं है मगर एज की लिमिटेशन जो है वो थर्टी फाइव ईयर्स के ज़्यादा ना हो ठीक अगर आप एम एस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी एज लिमिट कोई भी नहीं है डन पचास साल के भी हैं तो आप कर सकते हैं और आखिरी लम्हों में भी तो आप कर सकते हैं ठीक अच्छा हाउ टू अप्लाई अप्लाई करने का वो जो है क्या मेथड है साइन अप करें पहले अप्लाई डॉट बी एन बी डब्ल्यू यू डॉट ई डी यू डॉट पी के भैया ये सारी लिंक्स वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे आप जो टिक करना है तो आप लोगों का आ जाना ठीक है, है उसके बाद ई को वेरीफाई करना है क्योंकि क्रिएट अकाउंट करेंगे पहले तो वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा वेबसाइट पर क्रिएट अकाउंट होगा क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप लोग अपनी ईमेल वेरीफाई करेंगे फिर से वही आपने लगाएंगे जो आप, आपने ईमेल लगाई होगी और पासवर्ड लगाया होगा एंड आफ्टर दैट फिर द मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्ड विद मैंडेटरी जो फील्ड्स हैं वहाँ ये स्टार्स लगे हुए हैं इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पर योर गुड नेम योर नेम वहाँ पर स्टार लगा होगा नेम पे ना तो वो मैंडेटरी कहलाता है जहाँ पर स्टार लगा हो तो वो मैंडेटरी कहलाता है उसके बाद एप्लीकेशन फ़िल हो जाएगी डाउनलोड कर हुए जो 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 आपका चलान मिलेगा फॉर्म फ़िल करने के बाद आपका चलान आएगा फॉर्म फ़िल करने से पहले नहीं आएगा फिर फॉर्म फ़िल करने के बाद चलान आएगा चलान को आप लोगों ने डाउनलोड करना है और वो आप लोगों ने किसी भी अलाइड बैंक मतलब अलाइड बैंक की किसी भी आ, आ, जो है आ, मतलब उसके ब्रांच में जाके के आ, मतलब दे दें और चलान आप लोगों को वापस ओबियसली स्टैंप वगैरह लगा के आप लोगों को दे देंगे और फिर क्या करना है स्कैन करके उसी चलान को फिर सेम ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जाके वहाँ पे वो अपलोड करना है याद रखियो अपलोड करना है एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे वही पूरा प्रिंट करके फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके चलान के बाद की बात है चलान अपलोड करेंगे फिर आपका आ, मतलब फॉर्म प्रिंट होगा प्रिंट करके जो है बेगम यूनुसरत व्टो यूनिवर्सिटी जो है ओबियसली वेमन यूनिवर्सिटी जो है इनको आप लोगों ने बाई हैंड सबमिट करना है या आप लोगों ने डॉक के जरूर मतलब थ्रू या टी के थ्रू इनको फॉर्म भेजना है ठीक है अच्छा अपनी का व्हाट्सअप नंबर सारा सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को ओबियसली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ज़्यादातर की ज़रूरत नहीं है इनकी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ जो हैं फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है लाइब्रेरी की फैसिलिटी अच्छी है और उसके बाद इक्वड लैब्स हैं कैफेटेरिया है इंडोर स्पोर्ट्स है हॉस्टल भी फैसिलिटी इनके पास है उनके कैंपस डिस्पेंसरी भी इनके इनकी फैसिलिटी में आ रहा है मगर इधर जो लिख रहे हैं वो कह रहा हूँ मैं ठीक है अच्छा ये तो हो गया हमारा जो भी प्रोसेस इन्होंने वेबसाइट में दिया था बट सॉरी इसमें जो इनका पोस्टर था उसमें दिया था बट 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 बियॉन्ड दैट हम लोग कुछ और चीज़ें देखना चाह रहे हैं अच्छा फीस फी, फी स्ट्रक्चर जो है इनका फीस स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ नीचे फी स्ट्रक्चर जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो इनकी सारी फ़ीस स्ट्रक्चर का जो भी प्रोग्राम है वो सारे का सारा आ जाएगा ठीक है तो मेक श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू बी कन्फ्यूज अच्छा उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये बता दूँ कि आपका सिक्सटी परसेंट जो है लेट से बाकी सारों में सारों में फिफ्टी परसेंट है बट सिक्सटी परसेंट सिर्फ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है अभी डॉक्टर फिजियोथेरापी डी पी डी जिसको कहते हैं उसकी एडमिशन हुई नहीं है जब भी हो तो उसका सिक्सटी परसेंट होगा आप लग आप का प्री मेडिकल में प्री मेडिकल में आप लोग इंटरमीडिएट जो है वो सिक्सटी परसेंट होगा तो यू विल बी एलिजिबल अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल बाकी जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए फ़िफ्टी फिफ्टी परसेंट है आपको कोई उसमें कोई इतना खास मतलब झेलना नहीं है ठीक है अच्छा मैं अब आता हूँ ट्रांस मतलब ऐसा समझें कि आप लोगों की फी इस पर टेस्ट पैटर्न में देखिए टेस्ट टेस्ट पैटर्न पाँच कैटेगरीज पे या पांच सब्जेक्ट में मैं बात करूँ अगर तो क्योंकि मेरे पास आप ये लैपटॉप हुआ है सबसे पहले सेक्शन वन जो है वो जनरल नॉलेज का है इंग्लिश है जनरल मैथ्स है जनरल मैथ्स है उसके बाद एनालिटिकल या क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है ठीक है जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत आई में जाते हैं उसके बाद नंबर पाँचवां जो आप लोगों का है अच्छा पाँचवा सेक्शन जो है वो पाँच छः लेक्चर इन्होंने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स आगे पाँचवें सेक्शन में कंफ्यूज होते हैं देखें पाँचवें सेक्शन में लिखा हुआ है फिजिक्स और या बी एस मतलब बेसिक अकाउंटिंग या कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर या बायोलॉजी या इंग, इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग कंप्रीशन इन जो चार पाँच छः मैंने लिए हैं नाम इनमें से कोई भी एक आपका पाँचवें सेक्शन में आएगा जो कि मैंडेटरी होगा मैंडेटरी कैसे बता रहा हूँ आप देखें क्योंकि टोटल हंड्रेड एम सी की का है और हंड्रेड एम सी के में से आप लोगों को बैसे हर सेक्शन में से 20 बीस एम सी क्यूज़ आएंगे और एक हर एक मतलब एम सी क्यूज़ का जो है एक मार्क है और उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग ठीक है थीक? अच्छा फिजिक्स सेक्शन के लिए फिजिक्स सेक्शन जो है कंपलसरी आप लोगों को बी एस मैथमेटिक और फिजिक्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स में तो आप लोगों का फिजिक्स सेक्शन जो है मतलब जो पांचवें में फिजिक्स आ रहा था वो मैंडेटरी है वो आप लोगों ने चूज़ करना है बाकी जो आप, आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग इंग्लिश अच्छा इंग्लिश मतलब लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग प्रियशन जो है वो कंपलसरी है बी एस इंग्लिश के लिए ठीक है जी अगर इंग्लिश लिए अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी कंपलसरी आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी के लिए आ, उसके बाद बी एस जेनेटिक्स के लिए डी के लिए इनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी आप, आपकी आपकी मस्ट है उसके बाद रेस्ट में चूज एनी ऑफ द गिवन चॉइस इन मतलब फाइव ऑप्शन इनके अलावा अगर कोई भी आप किसी में अप्लाई कर रहे हैं ना इनके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश के लिए फिजिक्स या मैथ्स के लिए या आप लोग Uh, मतलब मेडिकल के रिलेटेड कोई फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या मैंडेटरी बता दिया इनके अलावा जैसे कि बी एड है या ऑब्वियसली दूसरे प्रोग्राम्स है कंप्यूटर साइंस है बी बी ए है उनके लिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इट्स अप टो यू फिजिक्स करें ग्रामर रीडिंग कम्पटेशन करें या लिटरेचर करें या उसके बाद आप लोग ऑब्वियसली अभी अभी जो अकाउंटिंग है बेसिक वो करें इट्स अप टो यू ठीक है पाँचवें सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं उसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया वो आप लोगों का वो आप लोगों का फिफ्टी परसेंट अब फिफ्टी परसेंट बनता कैसे है लेट मी टेल यू फिफ्टी परसेंट ऐसे बनता है कि आपकी जो मैट्रिक की आ, मतलब परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे ऐड क्या करेंगे 0.1 को इंटर की परसेंटेज की मार्क्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसी में ऐड करेंगे निकालेंगे मतलब 0.15 पॉइंट मैट्रिक की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया फिर उन्होंने मल्टीप्लाई किया जीरो विद द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट एंड उसके बाद फिर उन्होंने मल्टीप्लाई किया जीरो पॉइंट सिक्स मार्क्स इन ऑपटेन मार्क्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आप लोग टेस्ट देंगे जीरो पॉइंट सिक्स उसके साथ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पंद्रह मार्क्स होते हैं वैसे तो जीरो पॉइंट वन फाइव मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जो आप इंटरव्यू में मतलब टेस्ट देंगे मतलब इंटरव्यू में जो आप परसेंटेज उठाएंगे तो उसके साथ वो मतलब मार्क्स उठाएंगे सॉरी मार्क्स उठाएंगे तो उनके साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार सेक्शन बना के आप लोगों का फिफ्टी परसेंट बनना चाहिए ये बी एस ग्रेजुएशन के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बट बी एड के लिए क्या है बी एड के लिए ओबियसली आप लोगों का जनरल मतलब जनरल नॉलेज है इंग्लिश है जनरल मैथ्स एनालिटिकल या क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है उसके बाद जनरल एजुकेशन है अगर आप बी एड टू पॉइंट फाइव के लिए कर रहे हैं ये टू पॉइंट फाइव ईयर्स के लिए ठीक है ना ये जो बताया एक्सटेंशन के लिए और उसके लिए ओबियसली जो टू पॉइंट फाइव ईयर्स का है वो मैट्रिक को छोड़ के फिर इंटर बी एस सी और क्योंकि वो बी वाले एलिजिबल हैं तो ये इनका थोड़ा प्रोसेस है उसके बाद सैम्पल पेपर्स मैं आप लोगों को ऑब्वियसली अटैच uh, कर दूँगा सैम्पल पेपर भी देख लीजिएगा सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्राम आवर साइड एंड दस ग्यारह मिनट्स की हो चुकी है सो गाइज यू बेस्ट ऑफ लक एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये इनफॉर्मेशन अच्छी खासी मिली होगी हाँ और उसके बाद चलानो दो हज़ार का ये ज़्यादातर सवाल होता है बाकी अगर आप लोगों को सवाला वगैरह करने हैं या कुछ भी है प्लीज़ प्लीज़ बी श्योर कि आप लोग uh, इनकी एडमिशन ऑफिस से रबता करेंगे एडमिशन ऑफ़िस वालों का भी नंबर मैं नीचे दे दूँगा व्हाट्सअप भी है इनका नंबर और कॉल पे भी है तो यू मे कॉल दें बट याद रखिएगा कॉल रात को दस बजे कॉल कर रहे हैं बारह बजे कर रहे हैं ऐसा ना करिएगा एडमिशन ऑफिस वालों को कॉल करें या हमें कॉल करें बट याद रखिए कॉल आप लोगों को करनी टाइम पे होती है सुबह नौ से लेकर शाम से एटलीस्ट चार बजे तक कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह करना होता है अदरवाइज जैसे कि हम अकेडमी वाले हैं तो हमें आप रात मतलब दस बजे से पहले पहले तक भी कर सकते हैं नो वरीज बट यूनिवर्सिटीज़ को अकेडमिक्स जो भी हैं जो भी प्रोफेशनल चल रही हैं तो उनको आप लोगों को चार पाँच बजे से पहले पहले तक कॉल करनी होती है सुबह के नौ बजे के बाद ठीक थी, है ना तो शू बेस्ट अब लक हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग विद अस थैंक यू